हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फेस्टिवल का सीज़न आ चुका है, फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे अब एक के बाद। तो सभी के घर में अभी साफ सफाई अभियान शुरू हो गई होगी, क्योंकि अभी कुछ दिन में तीज आ जाएगी, उसके बाद गणपति बप्पा आएंगे, उसके बाद फिर वही त्यौहार के बाद त्यौहार ही। तो जब भी हमको कुछ थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फिर हम अभी साफ सफाई में लग जाएंगे, है ना। तो सभी के घर में आई थिंक ऐसा ही चल रहा होगा। तो मेरी साफ सफाई मैं आज से ही शुरू कर दे रही हूँ, थोड़ा बहुत करते करते हो जाएगा, क्योंकि घर के बाकी काम भी रहते हैं और जब कोई हाउस हेल्पर नहीं रहता है तो खुद को करना पड़ता है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो टाइम को मैनेज करके घर के सारे जो साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग सब चीज़ें, तो सबको मेंटेन करना पड़ता है। आज की सुबह हो गई थी मेरी थोड़ी सी ख़राब, शुरुआत ही ख़राब हुई थी, मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। आज सैटरडे था तो घर में सब आज जल्दी चले गए हैं, ऋषभ का स्कूल सैटरडे सुबह ही रहता है, हस्बैंड चले गए ऑफिस, तो मैंने सोची चलो फिर मैं आज अपनी साफ सफाई जो है शुरू कर देती हूँ, क्योंकि सैटरडे मेरे को थोड़ा सा फ्री रह जाती हूँ मैं, क्योंकि सब लोग चले जाते हैं जल्दी, तो उसके बाद फिर मेरा जो भी एक्स्ट्रा का काम रहता है फिर मैं उसको फिनिश कर देती हूँ। तो सुबह का जो छोटा मोटा काम रहती है वो मैं कर ले रही हूँ, बेड सेट करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम लगता है मुझे, जब तक ये बेड सेट नहीं होता ना तब तक मूड सेट नहीं होता, तो इसीलिए मैं दोनों रूम का जो है बेड की जो बेड शीट्स वगैरह हैं वो सही कर दी थी। उसके बाद फिर मैं जो मेरी जो मेन काम है वो शुरू करूँगी। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या आप लोगों का भी शुरुआत हो चुकी है क्लीनिंग की, या फिर थोड़ा सा लेट में शुरू करेंगे। मैं जल्दी शुरू कर रही हूँ साफ सफाई, क्योंकि मेरी कोई भी हाउस हेल्पर नहीं है या फिर मैं रखती भी नहीं हूँ। और ये देखिए, मैं बोल रही थी सुबह सुबह आज मूड मेरा शुरुआत से ही ख़राब हो रखा है, क्योंकि जब मैं लंच बॉक्स बनाने आई थी 5:30 बजे, तो ये जो सिलेंडर है मेरे को बहुत परेशान कर रहा था, यहाँ से ना जो गैस है वो लीक हो रहा था, पता नहीं उसका रेगुलेटर शायद से ख़राब हुआ था कि क्या, तो हस्बैंड चेंज कर दिए थे। ये देखिए ये वाला, ये ख़राब हो गया था तो गैस लीक हो रही थी, तो होपफुली मेरे पास 2 रेगुलेटर थे, इस वजह से मैं चेंज कर पाई थी। और मुझे आज फिर लंच बॉक्स, और ऋषभ भी आज सुबह ही जाने वाला था तो उसका भी जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना थोड़ा सा लेट हो गया था, और बहुत ही ज़्यादा हौच-पौच हो गई थी, तो अभी किचन पूरा ऐसा फैला पड़ा हुआ है। अब पहले तो मैं किचन को थोड़ा सा समेटूंगी, उसके बाद जो बाकी का काम है वो करूंगी, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है बोलते हैं, इस बहाने मैं थोड़ा सा किचन भी थोड़ी सी जो है वो भी थोड़ा डीप क्लीन कर दी थी। तो आज मुझे ना फ्रिज को डीप क्लीन करना है, क्योंकि त्योहारों में ज़्यादातर काम फ्रिज का ही रहता है, इसी में हम सब कुछ रखते हैं, तो इसको पहले मुझे डीप क्लीन करना है। तो मैं फ्रिज को क्लीन तो कर लेती हूँ 1 महीने में, हफ्ते में, ऐसा जब भी टाइम मिले, बट डीप क्लीन मैं महीने में या फिर 2 महीने में एक बार करती हूँ। बट मैं जब से गांव से आई हूँ ना तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला था, इसीलिए मैंने कर नहीं पाई थी। और जो बारिश के मौसम में ना तो फ्रिज को हमेशा क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है, फिर नहीं तो जो फंगस टाइप का रहता है ना मॉइस्चर पकड़ के, तो वो होने लग जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी, हो गया था मेरे फ्रिज में, तो ज़रूरी हो गया था, आज मुझे फ्रिज डीप क्लीन करना ही था कैसी भी करके, तो फिर इसीलिए मैं शुरू हो गई थी। और पहले मैं जो फ्रिज का जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, उसको मैंने ऑफ कर दी थी। ज़रूरी होता है कुछ भी क्लीन करो, अगर वो इलेक्ट्रिक का कुछ भी रहे तो पहले उसको बंद कर दीजिए। तो उसके बाद मैंने जितना भी फ्रिज के जो पार्ट्स थे उसको मैंने पूरा डिटैच कर दी थी, क्योंकि मुझे आज फ्रिज को पूरा ही पूरा डीप क्लीन करना है, एक भी कोना नहीं छोड़ना है, कुछ भी आलस नहीं करना है। तो इस वजह से मैंने पूरा जो फ्रिज के जितने भी पार्ट्स थे उसके मैंने डिटैच कर दी थी। उसके बाद एक बर्तन में ले ली थी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर 1 चम्मच,
और एक ही चम्मच मैंने ले ली थी विनेगर और ले ली थी लिक्विड सोप। तो इन सबको मैंने पानी में घोल ली थी और अब मैं इसी घोल से फ्रिज को क्लीन करूँगी। और यहाँ पे जो अंदर के जो फ्रिज के ग्लास के जो सेल्फ्स है ना उसको भी निकाल देती, क्योंकि उसको भी मैं आज धो के फिर लगाऊंगी सबको, तो वो भी निकाल देती। उसके बाद मैं फ्रिज को पूरा अंदर से पूरा क्लीन करूंगी। मैंने ले ली थी एक स्क्रबर स्पंज वाली और उसी से मैं अब पूरे फ्रिज को साफ करने लग गई थी। तो ये जो पोर्शन है ना, जो जहाँ पे हम वेजिटेबल का बास्केट रखते हैं, तो वो जगह थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा होता है, क्योंकि बास्केट कभी नीचे रखते हैं निकाल के तो वो फिर जो गंदा रहता है वो फिर चला जाता है। तो वो पोर्शन में तो मेरे को थोड़ा सा घिसना पड़ा था, तो उसको मैंने घिस के उसके बाद एक जो कपड़ा है उसको गीला कर दी थी और उसके बाद पोंछ दी थी, क्योंकि फ्रिज को हम धो नहीं सकते, इस वजह से गीले कपड़े से फिर दो तीन बार पोंछ देंगे तो वो क्लीन हो जाता है। और ये जो पोर्शन मैं बता रही थी, तो यहाँ पे फंगस जैसा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है अगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते फ्रिज को, और इसके अंदर भी काला काला सा जम जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको ना ब्रश एक ले ली थी और उससे मैं इसके अंदर का जो क्लीन कर रही थी, और ये जो पार्ट्स है इसको सब स्क्रबर के मदद से ही क्लीन कर रही थी, बट मेरा जो स्क्रबर है वो स्पंज का था। तो इसी बीच मेरे को याद आया कि बीच में ना एक वायरल हुआ था बहुत, ये वाला जो ट्रिक है जो सॉक्स और कंघी से फ्रिज को साफ करना। तो सॉक्स के अंदर कंघी डाल देंगे और उसका जो दांत वाला पार्ट रहती है ना कंघी का, तो उससे फ्रिज को साफ करेंगे ये जो कोना, और आप यकीन नहीं मानेंगे इतना उसके अंदर से गंदगी निकला था। ये देखिए कितना सारा, जो कि हमको दिखता भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ये वाला जो ट्रिक था। और ये ना बीच में बहुत ही वायरल था, ये फ्रिज को कंघी से क्लीन कैसे करते हैं ये वाला ट्रिक। तो मेरे को आज याद आया कि मैं वो ट्रिक क्यों ना आजमाऊँ और आपको बताऊँ कि सही होता है कि तो नहीं। तो सही में ये बहुत अच्छा क्लीन करता है, छोटा छोटा जगह भी ये जाके ना पूरा अच्छे से क्लीन करता है। तो मेरी जो आज फ्रिज है तो एकदम बिल्कुल से मतलब हर कोना मेरा जो क्लीन होता है, वैसे बोलते ना, तो हर कोना आज मैंने क्लीन कर दी थी। ये देखिए ये जो रहता है ना ये वाला पार्ट, तो उसको हम ये जो कंघी के मदद से इजीली हम इसके अंदर तक साफ़ कर सकते हैं। और ये जो ऋषभ का सॉक्स था ये वाला धुलाई हुआ है, तो उससे मैंने उसको क्लीन कर दी थी। और उसका जो सॉक्स है ख़राब वाला था, उसको अब यूज़ नहीं करना था, इस वजह से मैंने करी थी, तो कितना सारा गंदगी निकला था। और उसके बाद जो फ्रिज का निचले वाला जो भाग रहता है ना डोर के साइड का, तो हम उसको भी ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं नीचे साइड, तो उसको भी मैंने आज अच्छे से स्क्रबर की मदद से घस घस के अच्छे से क्लीन करी थी। और देखिए मेरा फ्रिज कितना अच्छा वाइटिस वाइटिस दिख रहा है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन रहती है ना, ये हाउस हेल्पर करे तो इतना मन को जो संतुष्टि नहीं मिलती है, तो इस वजह से मैं हाउस हेल्पर नहीं रखती हूँ। और एक चीज़ अच्छा भी होता है कि हमारा जो एक्सरसाइज है वो हो जाती है बेसिकली, मतलब घर के जो काम हम करते रहते हैं ना, ऐसे बैठे रहेंगे घर में तो फिर वैसे ही बॉडी पूरा स्टिफ हो जाती है बैठे बैठे। तो अगर घर का काम ही थोड़ा बहुत कर लेंगे तो उसी से एक्सरसाइज हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो आइस चैम्बर रहती है जहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने अंदर तक क्लीन नहीं करी थी, उसको डिफ्रॉस्ट कर दी थी आइस को, और उसका जो डोर था उसको बस गीले कपड़े से वॉश कर दी थी। और ये मेरे जो दो आइस पैड है वो रहते ही हैं फ्रिज के अंदर हमेशा, तो उसको भी मैंने वॉश कर दी थी। और ये वाला जो ट्रे रहती है जो आइस चैम्बर के नीचे, तो उसको भी मैंने निकाल के इसको वॉश कर लूँगी अच्छे से वही लिक्विड से, और फिर इसको मैं फिर उसमें अटैच कर दूँगी, क्योंकि वहाँ से ना जो आइस का जो बर्फ़ का जो पानी है ना, तो वहाँ से गिर के इस ट्रे में जाता है। तो अगर मैं इसको
अभी के अभी धो के नहीं रखूंगी तो फ्रिज में फिर पानी टपकने लग जाएगा और फिर वहाँ से फिर दाग हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको पहले इसको वॉश करके तो फ्रिज में अटैच कर दी थी, ताकि फ्रिज जो है वो पूरा गीला होके फिर पानी पूरा घर में हो जाएगा। उसके बाद मैंने सारे जो यहाँ से निकाली थी फ्रिज के सारे जो पार्ट्स हैं तो उसको मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी। अब मैं उसको गीले कपड़े से पोंछ के अच्छे से उसको अभी मैं फ्रिज में फिर से अटैच कर दूंगी अपनी अपनी जगह पे। उसके बाद जो भी इसका सामान वगैरह निकाली थी ना तो उसको फिर मैं अभी अरेंज कर दूंगी, तो वही जो पार्ट्स है उसको लगा रही हूँ अभी। तो ये जो पार्ट्स है बहुत मतलब आराम से लगाना पड़ता है, नहीं तो क्रैक वैक होने की थोड़ी सी डर रहती है। मैं हमेशा करती हूँ इसीलिए मुझे आदत है, ये जो पार्ट्स है उसको इजीली फिर मैं लगा देती हूँ। और वो जो फ्रिज के अंदर रहते हैं ये ग्लास के जो सेल्फ्स, इसको भी मैंने वॉश कर ली थी। और यहाँ पे इसके जो क्लिप्स आते हैं, जब हम नए नए फ्रिज खरीदते हैं ना तो तब ये क्लिप्स आते हैं, तो मेरे पास थोड़े से थे, थोड़े गुम भी हो गए हैं, तो उसको जितना थे तो उसको मैंने लगा के फिर इसको जहाँ रखना है वहीं सेट कर दी थी अच्छे से। और आज जो फ्रिज को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये वाला है ना, ये जो फ्रिज के जो सीट्स हैं ये बहुत अच्छा काम देता है। मैं जो ग्लास के फ्रिज के जो सेल्फ से उसके ऊपर बिछाती हूँ तो ये बहुत अच्छा रहता है। जब आप खाली फ्रिज को ऐसे क्लीन करते हैं ना तो इसी को निकाल के क्लीन कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। इस पे अगर कुछ गिर जाए, जैसे बच्चे कुछ फ्रिज में से ले रहे हैं अगर गिरा देते हैं तो इसी के ऊपर रहेगा, ग्लास गंदा नहीं होगा। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा था मुझे, तो आज तक के चल रहा है, तो बहुत साल हो गया, 5-6 साल हो रखा होगा इसको, तो बहुत अच्छा काम देता है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ सामान। मेरा फ्रिज थोड़ा सा छोटा है बट मेरे फ्रिज में सामान बहुत सारे रहते हैं, जैसे दाल वगैरह और सॉसेस जो भी है तो सब चीज़ रहते हैं, तो उसको मैनेज करना, एडजस्ट करके रखना थोड़ा सा भारी काम हो जाता है मेरे लिए। तो ये देखिए जो रवा वगैरह है, मैदे वगैरह हैं, तो मैं उसको फ्रिज में ही रखती हूँ, तो इसीलिए मैं उसको कंटेनर में नहीं रखती हूँ, वैसे ही जैसा वो पॉलीथीन बैग में आता है ना तो वैसे ही मैं फ्रिज में रख देती हूँ। मतलब इतना स्पेस नहीं लेता वो, और अगर कंटेनर में रखें तो थोड़ा सा स्पेस लेगा और फिर जो फ्रिज में जो सामान रहेगा तो उसके लिए फिर जगह नहीं बनेगी इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा काम हो चुका था, मैं नहा ली थी और मैं आके आपको तो चलिए दिखा रही देखते हूँ। हैं फ्रिज कैसे साफ हुआ है। और ये देखिए पूरा साफ कर दी मैंने आज, और पूरा चकाचक हो गया मेरा फ्रिज, और मैंने सारा सामान भी अरेंज कर दी। और इधर ये देखिए पूरा क्लीन। पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है मेरा जो फ्रिज प्रॉपर तरीके से। और फ्रिज साफ करने में मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए थे, और अभी कितना बज रहा है बताऊं? अभी बज रहा है 1:30, और अभी खाना वाना नहीं हुआ है, बस चावल बनाने रखी हूँ, चावल बन रहा है। और ऐसी कोई भी चीज़ ना डीप क्लीन होना तो टाइम तो लग जाती है, और मैं अभी नहा के पूजा करी उसके बाद अभी चावल चढ़ाई हूँ, खाएंगे हम लोग। और चलिए मैं आज वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ और एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।